अंबिया जिनकी इमामत पर मुत्तफिक है, इमाम ही क्या यह खतमुल मुरसलीन है। और सुनो, अगर तुमने परेशान किया तो मैं इन्हें कह दूंगा कि मोमिनात बाज़े औरतें जो खूबसूरत भी हों, महजबी और महलका भी हों, जिनका सीना तकवे से सरशार हो, जिनके पास इल्म और हिल्म हो, मैं ऐसी औरतों को आपकी गोद में डाल दूंगा और तुम अज़वाजे मुतहरात के लकब से महरूम भी हो सकती हो। डर गई और आइंदा तौबा किया कि अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। फिर अल्लाह ने अज़वाजे मुतहरात के ज़िम्न में मुसलमानों को मुखातब बनाकर ये तलकीन फरमाई कि अपने घरों में जब तुम बहुएं लाओ, शादियां करो, तो तुम्हारी बीबियां नस्लों की मेमार हों, माशरे की ऐसी साले और ऐसी नेक बीबी हो जो औलाद की तरबियत कर सके। याद रखो, औलाद की तरबियत में अगर मुजरिमाना गफलत आपने बरती तो कल कयामत के दिन आपको जवाब दे होना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, मानो अल्लाह की बात अगर मान सकते हो। और याद रखो, अगर अल्लाह की बात तुम नहीं मानोगे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह के फरिश्ते तो अल्लाह के हुक्म की तामील में हम वक्त मसरूफ हैं। ला यासूनल्लाहु मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, बड़े मजे की बात है। पूरे कुरान को आप पढ़ते जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आपको मिलेगा। पूरे कुरान में एक मकाम पर अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना कफरू से काफिरों को खिताब किया है, बेशक हम ईमान वाले हैं। इसी पे जिंदा रहेंगे और दुआ करेंगे कि हमारी मौत भी ईमान पर आए।